श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री नीतीश जी साथ आएंगे तो बहुत खुशी होगी। श्री तेजस्वी जी और श्री तेज प्रताप यादव जी अगर जो हमारे स्टॉल पे आते हैं चाय पीने तो हमें बहुत खुशी होगी। इस वक्त हम पटना जू के सामने खड़े हैं और यहाँ पे एक हमें भाई साहब दिखे, महागठबंधन चाय वाला RJD लेबर नेता जी। यहाँ पे नीतीश जी और लालू प्रसाद यादव जी का फोटो लगा हुआ है गले मिलते हुए और यहाँ पे लिखा हुआ है महागठबंधन चाय वाला RJD लेबर नेता जी। नीचे भी तेज प्रताप यादव का फोटो लगा हुआ है, साइड में तेजस्वी प्रसाद यादव का फोटो लगा हुआ जो डिप्टी CM है और यहाँ भी एक भाई साहब का फोटो लगा हुआ है और ये RJD लवर हैं। और आपने चाय वाला तो बहुत देखा होगा, एक प्रियंका गुप्ता चाय वाली आती है उसके बाद से वो चाय वाली वायरल हो जाती है। तो हमारे साथ RJD लवर चाय वाले भैया हैं, आइए हम इसे जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी मेरा नाम रोशन कुमार यादव हुआ। रोशन जी आप फैन हैं क्या सबसे बड़ा? जी RJD के सबसे बड़े फैन हैं। कब से फैन हैं आप? जी बचपन से ही हम फैन है, एक तरह से श्री लालू प्रसाद यादव जी के हम बचपन से फैन है, क्योंकि हमारे गार्जियन भी श्री लालू प्रसाद यादव जी के फैन है, पापा भी फैन थे, भैया लोग भी उनकी भाषण सुनते थे तो अच्छा लगता था और घर में उनकी बारे में चर्चा होते रहते थी। और जैसे जैसे हम बड़े हुए हम भी सुने, हमें भी अच्छा लगता था तो इसीलिए हम बचपन से उनका फैन है। कहाँ से हैं आप? जी ऐसे हमारा गाँव वैशाली जिला राघोपुर क्षेत्र पड़ता है, लेकिन अब राघोपुर से तेज प्रताप यादव भी है ना? जी अब हम से विधायक जी अभी आप शास्त्री नगर में ही पटना में अपना होते शास्त्री नगर में रहते हैं। कब से आपने शुरू किया ये बिजनेस? 26 तारीख को शाम में 4 बजे उद्घाटन किए सर, आज 26 को। जी क्या सोच के शुरू किया आपने? जी सर महागठबंधन की सरकार है और खुशी की बात है, पूरा पब्लिक खुश है और पब्लिक से ज़्यादा हम खुश थे सर, इसीलिए हमने अपना दुकान का नाम महागठबंधन चाय वाले रखे। इसके पहले क्या करते थे आप? इससे पहले सर बेरोजगार थे और उससे पहले हमारे पास एक छोटा सा होटल टाइप में था तो उसी में गार्जियन चलाते थे, तो उसमें थोड़ा बहुत चाय भी बनाते थे, कभी कभी टाइम मिलता था दोपहर में तो गार्जियन खाना खाने चल जाते थे तो उस समय टाइम मिलता था तो चाय बनाते थे, तो इसलिए चाय बनाने की हमें नॉलेज थी और अच्छा लगता था चाय बनाने, इसीलिए हम चाय का बिजनेस किया। ये आपके दिमाग में कैसे आइडिया है कि महागठबंधन चाय वाला दुकान का नाम रखा जाए ताकि कस्टमर ज़्यादा यहाँ पे आ पाए, कैसे दिमाग में आइडिया है आपकी? जी सर महागठबंधन की सरकार चल रही है, अब बोले जैसे बोले कि हम RJD का फैन है तो इसमें सरकार की बहुत तारीफ हो रही है, मतलब पब्लिक बहुत खुश है सर, पब्लिक को उम्मीद है बहुत ज़्यादा श्री नीतीश जी से, श्री तेज प्रताप यादव जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और हम जैसे जी से नहीं है, श्री तेजस्वी जी से भी है, हम तो तेज प्रताप यादव के फैन हैं हम, श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी जी, श्री तेज प्रताप यादव जी, तीनों आदमी के हम बहुत बड़े फैन हैं। तो इसीलिए देखा कि महागठबंधन की सरकार है और हमें अच्छा लगा महागठबंधन की सरकार के, इसी खुशी में नाम रखे। कौन कौन सा चाय देते हैं? जी अभी सिर्फ एक ही चाय देते हैं और दाम रखे हैं 10 रुपया। क्या प्लेन टी या मसाला टी? नहीं अभी तो मतलब कि स्पेशल चाय रखते हैं मसाला। हाँ जी अभी खासियत क्या है आपकी चाय की? जी सर हम अभी इलायची मतलब अच्छा से डालते हैं कूट के और चाय के पहले बहुत बढ़िया से पकाते हैं, चाय जितना बढ़िया सर उबलता है उतना बढ़िया स्वाद आता है, उतना बढ़िया स्वाद आता है जी। और कितना इनकम हो जा रहा है आपका इससे? सर इनकम तो अभी फ़िलहाल नया बिजनेस किए हैं तो उतना अभी नहीं कि देखे हैं मिला नहीं है, लेकिन हाँ दूध का सेलिंग 80 किलो तक जा रहा है सर। 80 लीटर पर डे दूध की खपत हो जा रही है? जी तो अच्छा खासा इनकम है जी। जी फर्स्ट टाइम ही हो गया था सर 80 KG का, कि फर्स्ट टाइम और थी फ्री चाय रखे थे RJD लवर की तरफ से, फ्री चाय था फर्स्ट टाइम जिस दिन ओपनिंग किए थे और उस हिसाब से उस दिन ज़्यादा कस्टमर आए होंगे आपके पास? जी ज़्यादा भी आए और उस हिसाब से हमारे पास बराबर कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। आपके पास अभी तक कौन कौन नेता लोग चाय पीने के लिए आ चुके हैं? जी सर अभी तो बहुत नेता आए हैं सर, जैसे श्री नीतू कुमारी जी हैं जो हिसुआ के विधायक रहे हैं, वो आए थे, वो मैम से हम उद्घाटन करवाए थे और बहुत से कार्यकर्ता लोग आए हैं, फिर BJP के भी कार्यकर्ता लोग आए हैं, बोले हैं कि नहीं अच्छा किए हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। BJP के कार्यकर्ता? जी BJP के भी कार्यकर्ता लोग आए हैं। यानी BJP वाले खुश हैं क्या आपके चाय के दुकान से, महागठबंधन की सरकार? जी नाम से बहुत खुश है, बोले कि महागठबंधन चाय वाले के नाम से हम बहुत खुश हैं, चाय भी बहुत अच्छी है और
इस पार्टी में सभी को स्वागत था, इसीलिए महागठबंधन चाय के उनको लगा कि नहीं कुछ यूनिक है, आए चाय पिए और हमें बोले कि ना चाय बहुत अच्छी है, इस बात की हमें और ज़्यादा खुशी हुई। और इसको कहाँ तक आप बढ़ाना चाहते हैं इस बिजनेस को आप? जी सर, अभी तो फर्स्ट टाइम बिजनेस किए हैं और थोड़ा सा बिजनेस किए हैं तो अभी तो सर समझने में टाइम लगेगा और फिर जैसा होगा उस तो भविष्य में सर। देखिए, बिल्कुल नॉर्मल चाय देते हैं, यहाँ पे कुल्हड़ रखा हुआ है और यहाँ पे बिस्किट वगैरह रखा हुआ है और पर डे का इनका लगभग 80 लीटर दूध खप जाता है चाय बनाने में। और उससे आप अनुमान लगा सकते हैं 80 लीटर दूध का जब चाय बनता होगा तो कितनी की सेलिंग होगी। और भाई साहब की इनकम भी अच्छी खासी है। और सबसे बड़ी बात है महागठबंधन चाय वाला, आपने सब चाय वाला देखा ही होगा लेकिन ऐसा यूनिक चाय वाला नहीं देखा था अपने आज तक। और भाई साहब आपने नाम क्या बताया? रोशन कुमार यादव। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? नॉन मैट्रिक है सर। नॉन मैट्रिक है जी सर। चलिए, पढ़ाई लिखाई नहीं की है लेकिन अपना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, रोजी रोटी अपना जुगाड़ कर लिए हैं और बहुत ही अच्छी खासी इनका इनकम हो रही है। और इनका कहना है कि बीजेपी वाले भी यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं। सोचिए, जो विरोधी पार्टी है वो भी यहाँ पे चाय पीने के लिए आ रही है। बीजेपी का कौन कौन सा आया था आपके पास? देखिए सर, नाम नहीं जानते हैं सर। कोई बड़ा नेता आया था? नहीं, जैसे आए थे यहाँ आए थे तो गाड़ी में सर झंडा लगी हुई थी और हम उतना नहीं चिनते हैं सर, क्योंकि राजनीति के बारे में सर हमें उतना नॉलेज नहीं है सर। अच्छा, तेजस्वी यादव से कितना उम्मीद है आप सभी की? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है सर कि आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। क्या आप तेजस्वी यादव का इनवाइट करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी सर, हम तो चाहते हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री नीतीश जी साथ ही आएंगे तो बहुत खुशी होगी। श्री तेजस्वी जी और श्री तेज प्रताप यादव जी अगर जो हमारे स्टॉल पर आते हैं चाय पीने तो हमें बहुत खुशी होगी। यानी ये तीनों लोग आएंगे तो आपके शॉप पे बहुत खुशी होगी आप? चारों लोग कौन कौन? श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री नीतीश जी, श्री तेज प्रताप यादव जी, श्री तेजस्वी जी। यानी महागठबंधन के मेन लीडर को आपने इनवाइट किया है? जी, हम तो इनवाइट सभी लोगों के करते हैं लेकिन जिनको हम फैन हैं वो आए तो बहुत खुशी की बात होगी सर। जितना हमें स्टॉल खोलने में नहीं खुशी हुई उससे ज़्यादा हमें बहुत खुशी हो जाएगी सर। समझिए कि सर जितना स्टॉल खोले उससे 100 गुना ज़्यादा हमारी खुशी बढ़ जाएगी। कुछ और भी दुकान आप खोल सकते थे ना? जी, जैसे बताया कि सर आप बोले तो दुकान करने के लिए हमें सीखना पड़ता, साल भर 6 महीने हमको टाइम बर्बाद करना पड़ता सर। और फिर गार्जियन के प्रेशर जब बहुत ज़्यादा है कि नहीं अब कुछ करो, बहुत टाइम। कितने फैमिली में लोग हैं आपके? जी, हमारे फैमिली में मम्मी पापा, 4 भाई 2 बहन। चलिए देखिए, यहाँ पे इनके फैमिली में इनके मम्मी पापा और 4 भाई और 2 बहन हैं और ये इनवाइट करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और तेज प्रताप यादव को ये इनवाइट करना चाहते हैं ताकि इनके दुकान पे एक बार आए और एक बार इनके चाय का चुस्की ले, ताकि ये लोग उनके दुकान पे अगर आते हैं तो इनको बेहद खुशी होगी। और बिल्कुल जिसका जिसका नाम लिए हैं सबका फोटो लगा हुआ है यहाँ पे और ये सब बिल्कुल एकदम पूरा जैसे RJD का थीम जो है उसका बैनर का उसी थीम में अपने दुकान का भी थीम रखे हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कहें। बहुत बहुत धन्यवाद।